for you students. Now we take the important, very important part of our solid state unit. Packing fraction and packing efficiency represented by PF. PE भी बोल सकते हो, packing efficiency को PE और packing fraction. Packing efficiency, efficiency कितनी efficient होती है unit cell. एक यूनिट सेल के अंदर, अब हम सोलिड पढ़ रहे हैं तो सोलिड के अंदर हमें पता है कि पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल एक दूसरे के. लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल जो है वो स्पेरिकल है, पार्टिकल स्पेरिकल है. तो स्पेरिकल को अब जैसे कि अगर आपके पास कोई भी चकोर चीज होती, पार्टिकल अगर आपके पास स्क्वेयर फॉर्म में होते या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते और आपको उनको फर्श के ऊपर बिछाने के लिए बोल दिया जाए तो आप उनको बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में बिछा सकते थे. हो सकता है उनके बीच में कोई गैप ना बचता हो, फंसता हो, इस तरह से बिछ जाते ये, है ना, इस तरह से. तो इनमें क्या होता, जितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा क्या होता, पार्टिकल्स को डिवाइड कर लेते और 100% इसकी पैकिंग एफिशियंसी होती. पैकिंग परसेंटेज या पैकिंग एफिशियंसी इसकी 100% होती. बट यहाँ पर पार्टिकल है, जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं अगर आपको स्पेरिकल पार्ट स्पेयर को भरने के लिए बोलूं तो चाहे आप कितना भी क्लोज पैक करने की कोशिश कर लेना उसके बीच में जगह बचेगी, क्योंकि ये स्पेरिकल है ना. अगर स्पेरिकल टाइप के जो हमारे पास टाइल्स वगैरह होती है स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं, उनको अगर हम भरने के लिए बोलते फर्श के अंदर तो यहाँ पर बीच में ये खाली स्पेस रह जाता, मतलब 100% स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है पार्टिकल्स के द्वारा सॉलिड के अंदर. क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्फेरिकल फॉर्म में है तो उनके बीच में खाली गैप है. अब कितना परसेंट स्पेस एम्प्टी है, कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है, वो हर यूनिट सेल में अलग अलग आएगा. जो एफिशिएंसी है, जितनी मतलब एफिशिएंसी का मतलब पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात है. एक में से जो ऑक्यूपाई होता है वो फ्रैक्शन होता है और 100 में से जो ऑक्यूपाई होता है, जैसे हमने 1 cm³ वॉल्यूम लिया, 1 cm³ वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो तो होगा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, और 100 cm³ वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो क्या होगा, पैकिंग परसेंटेज. एक में से जो ऑक्यूपाई होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, और 100 में से जो ऑक्यूपाई होता है वो क्या होगा, पैकिंग परसेंटेज. तो अभी हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला निकालेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी को ही अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगी पैकिंग परसेंटेज, ठीक है. तो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब तो 3 डायमेंशनल है ना. अब 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है तो यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल एक में से जितना एक यूनिट वॉल्यूम में से जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, हमारे पास एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उसका रेशियो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किस किसका रेशियो है, जितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का उसमें से जितना वॉल्यूम पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई है. तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि क्यूब. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला. टोटल जितने भी पार्टिकल है उन्होंने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब क्यूब जो है, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो a into a होगा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड क्या है, इक्वल, और हर साइड की एज की जो लेंथ है उसको हमने क्या मान रखा है, a, स्मॉल a. तो
तो एक एच की लेंथ भी ए है, दूसरी की भी ए है, तीसरी की भी ए है, तो ए का क्यूब, जो हमारे पास क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्या है, एज लेंथ, एज की लेंथ, हर एज की लेंथ, ठीक है, और इक्वल होती है, इसलिए ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब। तो अब हम यहां पर रखना स्टार्ट कर देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हमारे पास है। अब ये जो टोटल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल है, ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच पार्टिकल। एक पार्टिकल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पार्टिकल यूनिट सेल में होंगे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे लिखते हैं, जेड से, पर यूनिट सेल में जितने पार्टिकल होते हैं, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। जैसे कि अब हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और पार्टिकल हमारे पास क्या है 5, 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे ना, तो टोटल पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसको कैसे निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूब का वॉल्यूम मैं लिख चुकी हूं ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। ए क्या है, एज की लेंथ, हर एज की लेंथ क्या है, ए है, ठीक है, ए क्यूब। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जेड, ये हर यूनिट सेल में क्या होगा, अलग अलग आएगा, सिंपल में अलग आएगा, फेस सेंटर्ड में अलग आएगा, बॉडी सेंटर्ड में अलग आएगा, तो जेड की वैल्यू हम पुट कर लेंगे सबके लिए, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, हर पार्टिकल का वॉल्यूम। अब पार्टिकल को हम स्क्वेयर मान के चले, स्क्वेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ अपॉन ए क्यूब। अब तक कॉमन चल रहा है सब, अब आगे ये फॉर्मूला तो कॉमन चलेगा। जेड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, सिंपल में जेड की वैल्यू 1 आएगी, फेस सेंटर्ड में 4 आएगी, बॉडी सेंटर्ड में 2 आएगी, ठीक है, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम, इस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 πr³। आर क्या है, रेडियस, ए क्या है, एज लेंथ। अब ये फॉर्मूला कॉमन है, अब इसी को क्या करेंगे, हम ए और आर के बीच में रिलेशनशिप लेनी पड़ेगी, हमें यहां आर यूज कर रहे हैं और यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ए, तो इसको ए को भी हम किसके टर्म में लिखेंगे, आर के टर्म में। इसीलिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ए और आर के बीच में 3 यूनिट सेल की रिलेशनशिप बताई थी, इस ए को आर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ए और आर के बीच में रिलेशनशिप सिंपल में फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में करवाई थी मैंने, वो यहां पर ए को आर के टर्म में रख देंगे, जेड की वैल्यू रख देंगे, तो 3 यूनिट सेल के अंदर अगर हम निकालेंगे 3 यूनिट सेल सिंपल फेस सेंटर और बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी। यहां तक का है कॉमन, अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, जेड इंटू 4/3 πr³, जेड है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अपॉन ए क्यूब, जेड की वैल्यू सिंपल यूनिट सेल में, नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल यूनिट सेल में 1, तो जेड सिंपल यूनिट सेल में, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, जेड में सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पर है, एक कॉर्नर पर से 1/8 आता है, 8 जगह से 1/8 आएगा, तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल की तो 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेड की वैल्यू सिंपल यूनिट सेल की क्या आएगी, 1 आएगी, जेड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ए और आर के बीच में रिलेशनशिप मैंने बताई थी, और सिंपल है, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल क्या करते हैं, दूसरे को टच करते हैं, और ये क्या है, ये आर है, और ये भी आर है, और ये क्या है, यही है एज लेंथ, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r, सो ए की क्यूब जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, 2r की क्यूब, 2r क्यूब, सो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8r क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया,
हमने ये रिलेशनशिप कर ली थी, a इक्वल टू टू आर, ए क्यूब इक्वल टू टू आर क्यूब, सो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 8r³। तो a क्यूब की जगह अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, z की जगह 1 4 बाय 3 पाई r क्यूब अपॉन 8r³। 8r³ से 8r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 बाय 6। अब 5 बाय 6 की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गया 0.524। पैकिंग एफिशिएंसी है 0.524। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगी पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी, पैकिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 0.524 इंटू 100, 52.4%। सबसे लिस्ट इफिशियंट पैकिंग है सिंपल यूनिट सेल। देखो ना, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल भी तो पर यूनिट सेल एक ही है, जिसमें नंबर ऑफ पर यूनिट सेल में पार्टिकल ज्यादा होंगे उसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना। सबसे ज्यादा पार्टिकल पर यूनिट सेल में किसमें, फेस सेंटर्ड में, इसीलिए फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मिलेगी। हम कैलकुलेशन भी करेंगे, एक यूनिट सेल के हिस्से में पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो सबसे लिस्ट इफिशियंट सेल है कौन सी, सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर लगे हैं ना। तो सबसे लिस्ट इफिशियंट पैकिंग किसकी है, सिंपल यूनिट सेल की है, सिर्फ 52.4% स्पेस जो है, लगभग 48 स्पेस जो है वो एम्प्टी पड़ा है। कई बार एम्प्टी स्पेस पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सिंपल यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस बताओ कितना परसेंट है, तो 52% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है, लगभग 48% स्पेस जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। इसके बाद ठीक यही हम करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। हमें सिर्फ क्या करना है, एडी और आर के बीच में रिलेशनशिप पुट कर चुके हैं, जेड की हमें वैल्यू पता है, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। सेकंड हम करेंगे फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू रख दो 4, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4, 4 कहां से आए, एक कॉर्नर पर से, और हर फेस के सेंटर में से हाफ, और फेस कितने हैं 6, हर फेस के सेंटर में से आधा आ रहा है और 6 है, तो 3 वहां से आएंगे, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं 4। ए और आर के बीच में रिलेशनशिप मैंने फेस सेंटर में बताई थी, फेस डायगोनल 4r होती है और √2a होती है, 4r इज इक्वल टू √2a मंत्र है, भूलना नहीं है, 4r इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4r अपॉन √2, और ए क्यूब क्या हो जाएगी, हमें तो ए क्यूब की जगह पुट करना है ना, ए क्यूब क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2 का क्यूब। तो ये वैल्यू उठा के, ए क्यूब की वैल्यू ये उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 4 फेस सेंटर्ड के लिए, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ही, और यहां पर हमने रख दिया ये कितना हो गया 64r³ अपॉन √2। यस, इसको मैंने क्यूब को सोल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा, यह आ जाएगा 4। इसको जब सोल्व करोगे तुम तो यह आ जाएगा 6π √2, √2 पर चला जाएगा ना, √2π/6, √2π/6, तो √2π/6 को जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.74। और पैकिंग एफिशिएंसी है 0.74, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी पैकिंग परसेंटेज 74%। 74% स्पेस ऑक्यूपाई है पार्टिकल्स के द्वारा, तो सबसे ज्यादा इफिशियंट पैकिंग है ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो पर यूनिट सेल 4 है, 74% स्पेस जो है पार्टिकल से ऑक्यूपाई है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे बोर्ड डायगोनल में, थर्ड बोर्ड डायगोनल में, उसके बाद थर्ड है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको जेड की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल जो जेड होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। आयनिक के लिए ये अलग केस रहेगा, अभी हम आयनिक
सॉलिड का के स्टडी नहीं कर रहे। आयनिक सॉलिड के अंदर जेड की वैल्यू बॉडी जो हमारे पास बॉडी सेंटर यूनिट सर होती है उसके अंदर वन होती है, वो मैं बाद में समझाऊंगी वन क्यों होगी। सिर्फ बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल है उसमें एलिमेंट के केस में तो जेड की वैल्यू टू होती है, और आयनिक सॉलिड जब हम स्टडी करते हैं ऐसे आयनिक सॉलिड जो बीसीसी यूनिट सेल बनाते हैं उनके अंदर जेड की वैल्यू वन लेंगे। ये भी आप नोट करके लिखिए, क्यों लेंगे वो मैं बाद में समझाऊंगी जब आप हम आयनिक सॉलिड्स को स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल हम एलिमेंट सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हम एलिमेंटल सॉलिड का मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल है सारे, ए ए टाइप के, बी बी टाइप के। जैसे कि अब जैसे हमने आयरन का केस ले लिया तो वहां पर सारे आयरन एटम है ना, कॉर्नर पे भी आयरन एटम लगे हैं, बॉडी के सेंटर पे भी आयरन एटम रखा हुआ है। या हमने कॉपर का केस ले लिया ना, हमने जैसे किसी भी एलिमेंट का केस ले लिया, तो एलिमेंट के केस में तो क्या है, एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो जो पार्टिकल हर जगह एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। तो फिलहाल हम एलिमेंट का केस स्टडी करें, तो एलिमेंट के केस में जेड की वैल्यू टू होगी, मतलब एक तो कॉर्नर पर से आएगा एक पार्टिकल तो, और एक कहां से, बॉडी के जो सेंटर में रखा हुआ है एक वो आएगा यूनिट सेल के हिस्से में, ठीक है। तो जेड की वैल्यू टू होगी। अब बॉर्डर सेंटर यूनिट सेल में ए और आर के बीच में मैंने बताया था बॉर्डर डायगोनल, बॉर्डर डायगोनल क्या होगी, बॉर्डर डायगोनल जो होती है वो होती है 4R इज इक्वल टू रूट 3A। फेस डायगोनल होती है 4R इज इक्वल टू रूट 2A, बॉर्डर डायगोनल जो होती है वो क्या होती है 4R इज इक्वल टू रूट 3A, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन अंडर रूट 3, A की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3 क्यूब। तो ये वैल्यू पुट करनी है, ए क्यूब पुट करना है और जेड की वैल्यू टू पुट करनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू टू इंटू 4/3πr³ अपॉन ये कितना हो जाएगा 64r³ अपॉन 3√3। इसको कैंसिल आउट करो, ये कितने पे कट जाएगा 32 पे, ये कितने पे आ जाएगा 8 पे, और आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और अंडर रूट ऊपर चला जाएगा। सो √3π/8, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारे पास आएगी 0.68। सो पैकिंग एफिशिएंसी है 0.68, और पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पैकिंग परसेंटेज आ जाएगी, तो 68% स्पेस होगा वो ऑक्यूपाइड होगा। वैसे भी आपको याद रखने की बात है 68% स्पेस ऑक्यूपाई होगा पार्टिकल्स में, इसमें बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में 74% स्पेस ऑक्यूपाई होता है, जबकि सिंपल में सिर्फ 52% स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो ये थी पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की, सिंपल फेस सेंटर और बॉडी सेंटर, ठीक है। उसके बाद अब हम डेंसिटी करेंगे और क्लोज पैकिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो।